माय डियर कैंडिडेट, शुरुआत में सीधे कंपनी में आपके साथ में करूँगा। देखिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट जिन कंपनीज़ की कभी कभी आती है, जो ग्रुप बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं उनमें लगता है कि मैं आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि जो रेयर वाले होते हैं, कम रिक्वायरमेंट आती है, रेगुलर नहीं आती है, उनमें लगता है कि जो कैंडिडेट्स आए हैं वो इमीडिएट उसमें एब्जॉर्व कर लिए जाएँ। माय डियर कैंडिडेट, थोड़ा सा इस बात को और भी समझिए कि बहुत सारे एफर्ट्स के बाद में कंपनीज निकलती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट निकलती है, और फिर उनमें भेजने के लिए प्रोफाइल रेडी करके आपको वहाँ पे पुश करना और फिर पैकेज की बात को लेकर जाना एक बहुत प्रोसीजर के थ्रू जाता है। लोगों ने एक्चुअल में जो नॉर्मल समझा है कि एक जनरल जो कंसल्टेंसीज का होमवर्क किया जाता है वो ये होमवर्क कि आपको एक एड्रेस दे दिया गया कुछ कंपनी में जो उनके पास रिक्वायरमेंट आई हैं, शायद बहुत बड़ा इसके हम लोगों ने सोच रखा है इसके ऊपर से कि केवल इतना नहीं करना है संस्कार सोसाइटी में, जॉब ऑन ड्राइव में। एक हर कैंडिडेट की एक एनालिसिस है, ये कैंडिडेट इस कैटेगरी में आता है, इस कैंडिडेट की एनालिसिस ये इस कैटेगरी में है, ये इस उसमें फैमिली बैकग्राउंड, उसका पुराना एक्सपीरियंस, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसका पार्टिसिपेशन, उसका पुराना सैलरी रिकॉर्ड, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ मायने रखता है। एक बंदे की जो एनालिसिस होती है, हम लोग उस बंदे को वन टू वन एनालिसिस करते हैं, ये भी देखते हैं हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए भी वो बंदा कितना हमारे संस्था के थ्रू जाएगा तो वहाँ पर हमारा कुछ कंपनी में एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि उन्होंने हमको सेलेक्ट करके दिया वो याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसका भी हम लोग अब एडिशन करते हैं। कैंडिडेट का पॉजिटिव होना, कैंडिडेट का गुड फेथ में होना, कैंडिडेट के साथ में पॉजिटिविटी के साथ में उसका रिप्लाई होना, ये बहुत ज़रूरी है। हम जब कैंडिडेट को किसी जगह पे भेजें तो उससे एक तो ABO की संस्कार सोसाइटी जॉब हंट ट्राइब से कैंडिडेट भेजा गया है, तो किस तरीके से वो हम लोगों के साथ में उसका बिहेवियर क्या है, गुड फेथ में है कि नहीं है, पुराने उसके जो एक्सपीरियंस है सारे वो ख़राब लेकर के आया है, उसका लाइफ के लिए एटीट्यूड कैसा है, करियर के लिए उसका एटीट्यूड कैसा है, वर्किंग जो कर रहे हैं अगर वो बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आज अगर आप एनवायरनमेंट में ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके कलीग्स, आपके ऑफिस, आपके एम्प्लॉयर सब कुछ A+ कैटेगरी में होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो एडवर्स और ऑड सिचुएशन में वो काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी, उसका वर्क एक्सपीरियंस, उसका वो रिकॉर्ड, उसका पार्टिसिपेशन, और हम लोग जब उसको कई कंपनीज में रखते हैं तो कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इन सब बातों को मिल करके कैंडिडेट की प्रोफाइल और उसकी इमेज बनती है। और वो किसी एक टाइम पे हो सकता है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, बट दूसरे टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा, तीसरे टाइम में करेगा, बट वो बहुत पॉजिटिव है, इस तरह से लेकर के हम लोग कैंडिडेट को उसकी कैटेगरी को डिसाइड करते हैं, और कैटेगरी को डिसाइड करने के बाद में उसको अलग अलग कंपनीज़ में प्रोफाइल शेयरिंग, उसको JD शेयरिंग करना, डिस्कस करना, पुश करना, ये सारी चीज़ों को लेके करते हैं। बहुत जल्दी कोई कैंडिडेट फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है एक इंटरव्यू में, बहुत डाउट को लेकर के आया हुआ है, लोगों की सुनी सुनाई बातों को बहुत ज़्यादा मेन ले करके चलता है कि नहीं यही बातें सही हैं, बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस्ड भी हो जाता है किसी की बात से, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मुझे लगता है कि ऐसे कैंडिडेट्स को हम लोग कई मायनों में अलग अलग तरीके से जज करते हैं, और आप विश्वास करिए, इतने लोगों से मिलना, इतने लोगों को समझना और समझ करके उनकी प्रोफाइल को बदल करके उनको बड़े पैकेजेस में लाना, सीनियर, जूनियर, फ्रेशर, एवरेज, हायर, जो भी हैं, उन सब की कैटेगरी के हिसाब से हम लोग का भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर और एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है ऑटोमेटिकली समझते हुए, और वो बहुत काम करता है कैंडिडेट्स के पैकेज को लाने के लिए। कभी कभी कैंडिडेट बहुत हताश भी होता है, निराशा में भी होता है, अपने आप से बहुत परेशानियों में परेशान होता है, हम लोग उसकी जगह पे जा करके एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड भी रखते हैं कि ये कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मन में निराशा नहीं आनी चाहिए, और इसको हम लोग जितने कम टाइम में मोटिवेट करके उसको एक ज्वाइनिंग के लिए कभी कभी बिन अनकंडीशनली भी उसके साथ मदद करते हैं, बट कैंडिडेट भी उस लेवल में हो, उस कैटेगरी में हो जो कैटेगरी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वन साइडेड केवल एक सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, जब तक खुद बंदा अपने लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हो, कंपनीज़ को भी पॉजिटिवली लेके चल रहा हो, अपनी फैमिलीज़ के लिए भी कंसर्न रख कर रहा हो कि नहीं ये हमारे लिए ज़रूरी है और हम ये हैं, इसको एक्सेप्ट करना भी, हम रियलिटी में ये हैं और हम आगे जा सकते हैं, बट अभी आज हम यही हैं आज की सिचुएशन में,
कई सारी बातें एक साथ मिल करके हम लोग कैंडिडेट को एनालाइज करते हैं। केवल एक ये एनालिसिस नहीं होता है कि इस कैंडिडेट को भेजेंगे, कंपनी में भेजेंगे, कितना मिल गया नहीं हो गया, सब फैक्टर मिल करके कि ये इम्पोर्टेंट है कैंडिडेट और उसको हम लोग एज ए ह्यूमन रिसोर्स यूज़ कर पाएँ और उसको भेज पाएँ और उसको सच भी बता पाएँ कि नहीं तुम इससे ज़्यादा इतने कम टाइम में नहीं निकल पाओगे, इसको एक्सेप्ट भी करो, बुरा लग सकता है, ख़राब लग सकता है, बट कम से कम वो उम्मीदें ना जुड़ी हों जो उसको आगे चल करके उसके लिए मुश्किल काम करेंगी। हम लोग इसी लेवल पे लगातार कैंडिडेट्स को चेक करते रहते हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं सीधे कंपनी में आता हूँ अभी आपके साथ में, बीच में थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा, अभी पूरी कंपनीज में आ जाता हूँ, नहीं तो अभी मेरे अंदर की जो थ्योरी है, जो अंदर का प्रोसेस है, वो बाहर निकलता जाएगा। माय डियर कैंडिडेट, इतना ज़रूर समझिए, आज एक राइट कैंडिडेट को राइट जगह, राइट पैकेज, राइट टाइम पे लाने में सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। हर तरीके से होमवर्क करने के बाद में एक कैंडिडेट को पैकेज में लाना और उसके बाद उसको अच्छा लग जाए, ये बहुत होमवर्क और बहुत एफर्ट्स मेकिंग वर्क है। लोग जितना कोर्सेज में फीस दे करके वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, सबको एक अवेयरनेस की आज ज़रूरत है। मैं आता हूँ सीधे कंपनी में, ये तो अंदर की चीज़ें पूरी निकल आएंगी। नैरो लेक में आज बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग आई है आप सबके लिए, एक इम्पॉर्टेंट ज्वाइनिंग, बहुत बड़ी ज्वाइनिंग। और ख़ास बात यह कि जिनसे हमेशा बात होती रहती थी वो बिज़ी 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 बहुत रहते थे, कानपुर पे ना रहते हुए भी उन्होंने सारे कौन कौन से एरिया की रिक्वायरमेंट है बहुत पॉजिटिवली बात करी, बहुत पॉजिटिवली रिप्लाई भी दिए। और 8 लाख तक के पैकेज के लिए पेंट इंडस्ट्री में पेंट इंजीनियर और प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, बीटेक डिप्लोमा पेंट इंजीनियर फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइज़र और मैनेजर, 3 लाख to 8 लाख के पैकेज में 3 एरियाज़ हैं, कानपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम। इन 3 एरिया में रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है। तो नैरो लैक आपके लिए रेडी हो गया माय डियर कैंडिडेट। अब आप, क्योंकि पेंट हमेशा रेडी नहीं रहता है और पेंट में रेडी होने के बाद में मेन जो ब्रांड है उसमें करा लेना भी आसान नहीं रहता है, और ख़ास तौर से जिनसे बात हुई है बहुत रेगुलरली टच में रहते थे बट हमेशा कहीं बिजी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत अच्छा रिप्लाई या इमीडिएट शॉर्ट लिस्टिंग कम दिखती थी, आज बहुत अच्छी बातचीत हुई इसलिए आपके साथ बहुत खुशी मन से शेयर कर रहा हूँ। नैरो लेक में जो कैंडिडेट भी इस प्रोफाइल में है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, 3 लाख से 8 लाख के बीच में इमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ कम टाइम में करिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए वेट करने वाले नहीं हैं। हम उनको अकेले, केवल हमारे पे डिपेंडेंट कोई कंपनी नहीं होगी, इसको भी समझिएगा। आपकी डेट के, आपकी टाइमिंग में, आपके हिसाब से, आप ही की सारी चीज़ें के हिसाब से सब कंपनीज रेडी नहीं होंगी। दूसरी बात, तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट और परचेज एग्जीक्यूटिव, जूनियर लेवल की प्रोफाइल हैं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इजी प्रोफाइल्स हैं, जो जाना चाहते हैं वो इमीडिएटली फाइनलाइज इसमें करे जा सकते हैं। सोहनलाल लॉजिस्टिक में गाजियाबाद लोकेशन है, लेकिन सैप एक ही कंपनी है जिसमें ये रिक्वायरमेंट बाहर आई है, सैप कम बिलिंग ऑपरेटर, लोडिंग अनलोडिंग एंड डिस्पैच सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अशोक लीलैंड में पनकी में फीमेल एचआर एग्जीक्यूटिव फॉर टाइम कीपिंग एंड सैलरी मेकिंग के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अकाउंट जूनियर एग्जीक्यूटिव या ऑपरेटर टाइप में जो हैं उनके लिए श्याम फैब्रिक में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ये मैंने आपको फ्रेशर के लिए बताई हैं। रेणुकूट में जो फूडिंग लॉजिंग के साथ में सारी इनके पास में जो फैसिलिटी होती है, हिंडालको में रेणुकूट में जो ज्वाइन करना चाहते हैं बीएससी मैथ्स कैंडिडेट, 3 लाख to 4 लाख में अर्जेंट जो है लॉजिंग फैसिलिटी है वहाँ पे। होंडा कार्स में एमआईएस एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आज इंटरव्यू हुए। ये माइक्रो मैप इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेनेंस इंजीनियर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बीटेक एमबीए ग्रेजुएट सेल्स पर्सन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राधे नमकीन में पैकेजिंग इंचार्ज हैविंग एक्सपीरियंस इन नमकीन इंडस्ट्री की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है।
एमकेयू असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन 3 लाख से 5 लाख है। असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन का जीडी आप सबकी रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए। सेल्जर में सीनियर एग्जीक्यूटिव क्यूसी और आरएनडी में 2 लाख से 3.5 लाख का अर्जेंट इंटरव्यू चल रहा है। यहाँ पे भी एक बंदे की ज्वाइनिंग अकाउंट्स में हुई है 42,000 के लगभग पैकेज में। माय डियर कैंडिडेट, आपका रिस्पांस, आपका रिप्लाई आपको पैकेज देता है। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, वीडियो में कंपनी के नेम और पैकेज और प्रोफाइल को भी सुनना है। ऊपरी ऊपरी नहीं देखना है, ये कोई वीडियो वो वाले तो है नहीं, एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं कि आपने देखते चले जा रहे हैं वीडियो। वीडियो में थोड़ा अवेयरनेस के साथ देखना है। कई लोग बोलते हैं सर मैं आपके वीडियो लगातार 2-3 महीने से देख रहा हूँ। अरे आप वीडियो तो देखिए, बट वीडियो से फ़ायदा ले करके पैकेज ज्वाइनिंग में आना है, वो ऑब्जेक्टिव ये है। बहुत अच्छा है आप वीडियो देख रहे हैं। आजकल हमने देखा कि आजकल ये वीडियो जो लोग बहुत देखते हैं उनके फ़ैन बन जाते हैं, और वो जिनके फैन जो फ़ैन बनते हैं वो बहुत खुश हो जाता है कि अरे हमारे बहुत सारे वीडियो फॉलोअर बन गए। ये मत करिए, इसको देखने के बाद में वो तो चलिए आप देख रहे हैं, बट देखना है कंपनी का नाम, देखना है प्रोफाइल, देखनी है पैकेज, देखना है और हमें देखना हम उसमें है कि नहीं है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें आप बहुत वीडियो देख भी लेंगे, बहुत बार बार देख लेंगे, हमारे काम को आप अप्रिसिएट करेंगे, बट एक्चुअल अप्रिसिएशन तब मिलेगा। रियल अप्रिसिएशन और ऊपर के अप्रिसिएशन में फ़र्क समझिए। अप्रिसिएशन तब मिलता है जब आपकी ज्वाइनिंग आती है, और ज्वाइनिंग आने के लिए आपको भी अपने साथ होमवर्क करना है। आप जैसे जिस कंपनी का देख रहे हैं प्रोफाइल, उस कंपनी का नाम प्रोफाइल और पैकेज, आप 5-8 कंपनी आपकी निकालनी है और फिर आपको देखना है। वीडियो केवल नहीं देखना है। पीएनसी इंफ्राटेक में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बेंगलोर के लिए स्टोर मैनेजर की प्रोफाइल लगातार बनी हुई है 4 लाख से 6 लाख में। ये रतन हाउसिंग में बीपीओ सेक्टर के जो इंग्लिश कम्युनिकेशन के हैं वो 25 से 50 के पैकेज में टीम लीडर, सेल्स एडवाइज़र की प्रोफाइल और एक एमआईएस की प्रोफाइल है अलग से। राजकमल रिटेल में फ्लोर मैनेजर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, हेल्पर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हम लोग कोई भी प्रोफाइल छोड़ते नहीं कि शायद किसी के रेफरेंस से कोई बंदा कहीं जॉब में लग जाए, छोटा बड़ा हम ये वो सब केवल नहीं देखते हैं। जो भी हमारे पास प्रोफाइल आई हैं, जिनसे जिनकी बात हो रही है, उसमें आपके रेफरेंस से किसी को पता चला, फ़ोन मिलाया और उसके पास में अगर एक जॉब लगती है तो ऐसा लगता है कि कुछ तो उसके लिए ज़रूर हुआ होगा। टेक्ट्रोनिक्स में जो रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल कोई भी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, बीएससी, हैविंग अ नॉलेज ऑफ ई ट्रेंडिंग एंड इंटरनेट। राधिका प्रिंट में सीनियर अकाउंट प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इम्पोर्ट परचेज मैनेजर 30 का पैकेज में चाहिए कैंडिडेट। बीटेक फ्रेशर फॉर सेल्स इंजीनियर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट चाहिए टीपीआई में, इमीडिएट ज्वाइनिंग इसमें हो सकती है। सोशल मीडिया में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर फॉर वर्किंग फ्रॉम हेड ऑफिस कानपुर में एमएलए ग्रुप में पैकेज 50,000 का है। स्मार्ट किसान बायो में बीटेक बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट फॉर सेल्स प्रोफाइल के लिए है। वेदरिक्स में पीएचपी .NET डेवलपर आईटी के लिए। रहमान इंडस्ट्री में प्रोफाइल है टेनरी हेड विद 15-20 ईयर एक्सपीरियंस, 75K to 1 लाख। CA फीमेल 1 or 2 ईयर एक्सपीरियंस 50, अकाउंट एग्जीक्यूटिव 25, इंडस्ट्रियल इंजीनियर 75, वंसल पंप मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन क्वालिटी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी। ये सारे इस देखिए इलेक्ट्रिकल के जो कई कैंडिडेट्स हैं, आज एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। कैंडिडेट 2 रायबरेली के थे, उन्होंने 3 से 4 साल मैकेनिकल की सीएनसी में जॉब किया, बट वो टेक्निकल में आना चाहते थे। माय डियर कैंडिडेट, जब वो टेक्निकल के लिए सीएनसी में एक जगह भेजे गए तो उन्होंने वर्नियर कैलिपर्स का वो डायल पढ़ने को बोला, तो वो शायद वहाँ पे उतना काम नहीं हो रहा होगा तो वो नहीं पढ़ पाए होंगे उतना। उससे अच्छा ये हुआ जब मैंने उनसे फीडबैक लेने की क्यों नहीं किया तो उन्होंने बोला कि ये नहीं पढ़ पाए, तो मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि सर इस सर्कुलर का आप डायमीटर इनका देख लीजिए, मेज़र कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, अगर होगा तो हम दोबारा इनका इंटरव्यू करा देंगे। लेकिन वो उन्होंने बोला कि सर हमने ये काम नहीं किया है। लेकिन अच्छा वो फिर उन्होंने बोला कि सर हमें इलेक्ट्रिकल में ही जाना है, पर हमने कहा 3 साल से आपने इलेक्ट्रिकल में नहीं किया है। करते करते कंपनी जिसका मैंने आपको प्रोफाइल नहीं बोला था, उनके यहाँ पैनल का वर्क रहता है, अगर आपने पैनल में इलेक्ट्रिकल के आपने काम किया है तो उन्होंने बोला हम ये देंगे, अगर फ्रेशर हैं तो उनको हम सिखा करके रेडी करके इस पैकेज में ले आएंगे,
और उनको भेजा गया और वो कैंडिडेट रायबरेली से दो दिन में अपनी जॉब को लॉस करके आए, कम पैकेज में अपनी कोर प्रोफाइल को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए, और उसके लिए उन्होंने 1 वीक का टाइम लेकर के ज्वाइनिंग के लिए उनको कन्फर्मेशन भी दिया। अपनी कोर प्रोफाइल को पाने के लिए इंटरेस्ट उधर है, ये तरीका भी कंप्रोमाइज़ करके दो लोगों ने आपस में एक ही रूम में रहने का बना लिया, कर लिया, और कैसे इतनी दूर से आकर के आ गए। कभी कभी मैं कानपुर के कैंडिडेट देखता हूँ, वो ओवर एडवांटेज भी उनको कंपनी मिलती है, और ये कंपनी मैंने आपको पिछले कई दिनों से नहीं बताई थी, ऐसे मैंने 5 से 6 ट्रायल किए कि इनको दोबारा से रायबरेली से आना नहीं पड़े, यहाँ पर बार बार परेशान होंगे, छुट्टियाँ भी होंगी, पैसा भी कटेगा, अक्कर दूसरी प्रोफाइल में रहे, तो जो होना है आज ही हो जाए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऊपर वाले ने साथ में सुनी भी, करी भी, और वो समझ भी गए कि हमें अब करना ऐसे ही है, हम ऐसे ही करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये चीज़ें बहुत काम कर जाती हैं, जो कैंडिडेट बाहर के कभी कभी आते हैं। मैंने उनको बंसल पंप का भी एक ऑप्शन दिया था कि इसमें एक अभी इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, आज इंटरव्यू नहीं हो पाया, 2 दिन से वो मैडम बिजी हैं, तो उनके लिए भी होगा, लेकिन उन्होंने चलो पैनल के काम में, उनको मैंने ऑडियो भी सुनाया जो बात हुई कि क्या वो चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, उन्होंने पूरा ऑडियो सुना। सुनने के बाद में बोला सर ये भी हम नहीं काम कर पाएंगे, हमें वहीं सीखना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे अलग से बात करी कि इन कैंडिडेट की ये पोजीशन है, आप कितना इसमें पेमेंट कर पाएंगे, रहेंगे कैसे, ये इनका फूडिंग लॉजिंग कैसे होगा, अभी तो इनको ये पैकेज मिल रहा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनको अपनी एक शुरुआत एक हो गई इलेक्ट्रिकल कोर, जो पिछले 3 साल से वो नहीं कर पाए थे। कभी कभी अपनी प्रोफाइल को पुराने से लाने में करने में बहुत मदद मिलती है। सेकेंड, रोटोमैक पंप में जितने भी सेल्स इंजीनियर हाई पैकेज की प्रोफाइल को अपनी उम्मीद रखते हैं और वो कर सकते हैं मुंबई, पुणे, नोएडा में, तो उनके लिए प्रोफाइल 60 to 80,000 का है। और सेल्स एंड सर्विस एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद के लिए अर्जेंट है। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर लोकेशन का अर्जेंट है। संगम ट्रेवल में जो बंदा RTO और एडमिन प्रोफाइल को अच्छा से हैंडल कर पाए, इस प्रोफाइल में कई लोगों को अपनी ओर से खुद अप्रोच करना चाहिए जिनके पास में जॉब की दिक्कत है। इसमें आपकी बातचीत और ऑफिसर से बातचीत ही केवल है और कुछ नहीं है, हल्का सा आपको आइडिया हो वर्किंग का। इसके लिए लोगों को अपनी ओर से अप्रोच करना चाहिए। जब कभी कभी लोगों की प्रोफाइल में कभी उनको ये नहीं आता है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, ये प्रोफाइल तो आपकी सिर्फ एक हैंडलिंग पावर पर डिपेंड करती है। आज सीनियर अकाउंटेंट एसके ब्रेकर में कई इंटरव्यू हुए, फार्मास्यूटिकल में कानपुर देहात में एरिया सेल्स मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कानपुर, जो फार्मासिस्ट हैं, डी फार्मा से हैं, MR की जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए गियर रिक्वायरमेंट आगरा बेस्ड कंपनी की आई थी, उनके लिए शुरुआत अच्छी हो सकती है। जूनियर अकाउंटेंट की जो प्रोफाइल है उसमें सुरेंद्रा सारी में एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है टैली से रिलेटेड। रोटोमार्क सिस्टम में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कानपुर में ही है, फजलगंज में। सुपर हाउस में फीमेल CRM कम MIS एग्जीक्यूटिव फॉर उन्नाव लोकेशन की अगर कोई फीमेल है, कंप्यूटर और बातचीत करना आता है तो ज्वाइनिंग हो सकती है। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर सीनियर मैनेजर में हो सकता है। HR एग्जीक्यूटिव फॉर टाइम ऑफिस वेजेस के लिए रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट भी एक आई है MQU में, जिसके लिए कुछ प्रोफाइल शेयर किए गए हैं। कभी कभी कुछ लोगों के पास में इन MQU से लोहिया से कॉल आएगी तो वो इमीडिएट अगर बताएंगे नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में उनको बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ज़रूरी है फर्स्ट स्टेज के बाद में अगर सेकंड कॉल नहीं आ रही तो आप शेयर करिए। अजंता केमिकल्स में रिटायर्ड ऑफिस सुपरवाइजर फॉर मल्टीपल ऑफिस वर्क के लिए इनको चाहिए, जो एज ग्रुप हो, जो रिटायर्ड हो, जिनके पास में टाइम एक हो और वो चाहते हो तो उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। नमन गेस्ट हाउस में स्मार्ट एंड एक्टिव मेल रिसेप्शनिस्ट सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पार्ले जी में लैब केमिस्ट, सैप ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैविंग एक्सपीरियंस इन बिस्किट फैक्ट्री में चाहिए। बारीवार प्लास्टिक में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बारीवार प्लास्टिक में मार्केटिंग पर्सन फॉर B2B मार्केटिंग के लिए अर्जेंट चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस HR मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मिर्जा इंटरनेशनल के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेदर पैकेजिंग सुपरवाइजर के लिए चाहिए। मोनी टी में स्मार्ट बोर्ड फ्रेशर सेल्स एग्जीक्यूटिव RSM ASM TSI सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए 2 lakh to 12 lakh का पैकेज है। जितने भी सीनियर प्रोफाइल के लोग हैं जिसमें पैकेज वो स्पेशली 1,80,000 के ऊपर क्रॉस करना चाहते हैं, उसके लिए रोटोमैक पंप और ये दो प्रोफाइल बहुत अर्जेंट हैं, इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। हैवल्स में जिनका पैकेज 40+ चाहते हैं उनके लिए अर्जेंट
रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, इसमें वो 40 का पैकेज है। वंसल पम्प में सर्विस सेंटर मैनेजर हैविंग एबिलिटी टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, ये CRM प्रोफाइल मेल मेंबर में है। एयरटेल में MIS एग्जीक्यूटिव टेक्निकल मैनेजर चाहिए इनको, जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कैन फूड में लैब केमिस्ट, स्टाफ ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। कटारिया ग्रुप में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ PLC स्काइडा के जो भी बंदे हैं, मशीन ऑपरेटर के लिए अर्जेंट चाहिए, जो भी मैकेनिकल के मशीन ऑपरेटर हैं, फिटर के मशीन ऑपरेटर हैं, जाना चाहते हैं वो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तेजस्ना इंटरनेशनल में जूनियर मेल फीमेल अकाउंटेंट विद GST नॉलेज का अर्जेंट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। स्वदेशी एजेंसी में फुटवेयर इंडस्ट्री में 55-60, 35-40 का जो पैकेज है वो अलग से रिक्वायरमेंट, बहुत अर्जेंट चल रही है फुटवेयर के जो भी कैंडिडेट हैं। फुटवेयर के कैंडिडेट्स में थोड़ा सा सेचुरेशन आया, वो फुटवेयर को चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ ऑप्शन है, बट इसमें भी एक ऑप्शन है। डेल्टा मिल स्टोर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सेल्स ऑफिसर चाहिए। VK पैकवेल में MBHR रिक्रूटर की प्रोफाइल है, बहुत अच्छा आपने काम किया हो तभी इसमें रिक्रूटर में हो पाएगा, अगर आपने काम नहीं किया तो इसमें नहीं होगा। ड्राफ्ट मैन इसमें अर्जेंट चाहिए इनको, प्रिसिट एक्सिक्यूपमेंट में खासतौर से डिज़ाइनिंग, जिनका ऑटो कैड वगैरह ठीक हो। हिना फूड में सुपरवाइजर चाहिए। एंडकोड में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर चाहिए, 35 का पैकेज है। विनायका एसोसिएट में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो फ्रेशर कैंडिडेट हों, ऑफिस जॉब के लिए चाहते हों, उनके लिए मेल फीमेल जो माल रोड साइट में ज्वाइन कर सकते हों कानपुर में, उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर सेल्स मैनेजर सेल्स ऑफिसर 50 के पैकेज के लिए चाहिए। PK ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। JQ फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। राधे नमकीन में जो रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, पैकेजिंग ऑपरेटर चाहिए। GR कॉर्प में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। आई डिज़ाइन में सिविल इंजीनियर सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। कृति टेक में सिविल इंजीनियर मिडिल एज में 35 के लिए चाहिए, मिडिल ग्रुप के। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग की पॉलीमर मार्केटिंग में रिक्वायरमेंट है, एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है टाटा मोटर्स में। दूसरी रिक्वायरमेंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अकाउंट्स में जिसने काम किया हो। नैरो लेग की मैंने आपको एक रिक्वायरमेंट आपको अर्जेंट बताई हैं, कुछ रिक्वायरमेंट इसमें मिस हुई होंगी जिनको आप पुराने 2-3 वीडियो से भी देख सकते हैं। सिलेक्शन के वीडियो को ज़रूर आप देखिए, मैंने देखा कि लोग सिलेक्शन के वीडियो से एक इंस्पिरेशन भी आपको आती है, सही कुछ जानकारियाँ भी आपको मिलती हैं, वो जानकारियाँ जो आपको मदद करती हैं कि ये कैंडिडेट कैसे ग्रोथ किए होंगे। और वो चाहे वो छोटी जॉब के लिए हो, मिडिल जॉब के लिए हो, हायर जॉब के लिए हो, देखना आपको एक इंस्पिरेशन आपको ज़रूर आती है किस लेवल पे किया होगा। तो आप सब लोगों को पूरा वीडियो देखने की आदत डालनी है। वीडियो आप बहुत दिनों से हमारे देख रहे हैं बट उसमें कंपनी नहीं देख रहे हैं, प्रोफाइल नहीं देख रहे हैं। हर वीडियो में सारी कंपनी इनको रिवाइज़ नहीं करते हैं। आज जैसे मैंने कानपुर फर्टिलाइज़र का आपको नहीं बताया क्योंकि कई वीडियो में पहले बता चुका हूँ। तो कई सारी नई कंपनी हो, क्या कुछ नया हो वीडियो में, पुराने वीडियोस की कंपनी की एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट रहती है पर कभी कभी वो मिस कर दी जाती हैं जानबूझ करके कि आप उन्हें पुराने वीडियो में देखा है उसको भी लेके चलेंगे। आज का करंट वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पुराने 5 वीडियो के जो भी रिक्वायरमेंट हैं उनको भी आप मान के चलिए। जो कैंडिडेट वीडियो एडिटिंग में सोशल मीडिया में अच्छा काम कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग में काम करना जिनको आता हो, वो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चाहे वो यूट्यूब चैनल का हो चाहे वेबसाइट का हो, जो एक अच्छी वेबसाइट या वेब पोर्टल बनाने की काबिलियत रखते हो, जिनका शौक भी हो करने का, ऐसे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट जॉब हंट ट्राइब या संस्कार सोसाइटी में भी है। जो फुल टाइम अगर नहीं दे सकते हो तो पार्ट टाइम दे सकते हो, उनकी रिक्वायरमेंट लगातार बनी हुई है। एक jobhuntdrive.com पोर्टल को पूरी तरीके से आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें हम आपको टेक्निकल अलग उसमें कर पाएँ, सीनियर प्रोफाइल्स को अलग दे पाएँ जिनका पैकेज 1 लाख प्लस हो, उसको एक पूरा डिज़ाइन करने का पूरा, जो कैंडिडेट्स उनके पास काबिलियत हो वो इसमें आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो इन चीज़ों को निभा सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम करके। ऐसे कैंडिडेट जो 1 मंथ में ऐसी कुछ घंटे देते हैं या कुछ चीज़ों को ऐसी मेटलाइज करते हैं, हम लोगों के लिए कंपनीज को प्रेजेंट करने में भी अच्छा होता है कि देखिए ये इन्होंने ये काम किया है, तो वो आपको और बड़ी चीज़ों में लाने के लिए मदद करता है। देखिए कभी कभी लोग जो कंपनीज़ हैं, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने संडे को ट्रेनिंग दे करके कैंडिडेट्स को, नए कैंडिडेट्स के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म रेडी किया, वो उनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अकाउंट्स में हमारे यहाँ जो लोग वर्किंग कर रहे हैं वो संडे को आकर के ट्रेनिंग देते हैं। वो क्यों देते हैं ऐसा? उनको यहाँ से पेमेंट मिलता है ऐसा नहीं है, उनको हम पेड सर्विसेज में रखें ऐसा नहीं है,
वो अपनी खुशी के लिए करते हैं कि हमारा सिलेक्शन से यहीं से हुआ है, हम यहाँ पे सर के यहाँ के कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए हम जिस तरह से गुजरे इनको भी कुछ आ जाए, इनकी भी ज्वाइनिंग अच्छी जगह पे आ जाए। ऐसे हर फील्ड के, चाहे वो डिजिटल के हों, चाहे अकाउंट्स के हों, चाहे चार प्रोफाइल के हों, चाहे ऑटो कैड डिज़ाइनिंग के हों, सभी तरीके के कैंडिडेट्स लगातार हम लोग के साथ में वो जुड़े रहते हैं और एक ऐसे लूप में रहते हैं जो कैंडिडेट्स को देना चाहते हैं। सी ए इंटर, सी ए, जी एस टी सबमिशन, सभी तरीके के लोग कैंडिडेट्स रहते हैं। वो संस्था को इनरिच करते हैं अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को शेयर करके। पहले यही होता था, लोग यही करते थे कि हम नई जनरेशन के लिए, नए लोगों के लिए कुछ जो हमें स्पेशल आता है वो हम ज़रूर इनको दें। ये पहले बहुत होता, गिव जो देते हैं आप उससे ज़्यादा आपको मिलता है, ऐसी चीज़ों में लोगों को विश्वास था। एक महीने लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो आज जो इमीडिएट बेनिफिट्स चाहते हैं, इमीडिएट चाहते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में देने का भी होता है। कुछ लोग कभी कभी अपनी फिनेंशियल चीज़ों में दिक्कत करते हैं, बट वो और तरीके से, दूसरे तरीके से भी चीज़ों को, संस्थाओं को बेनिफिट देते हैं। बेनिफिट देने का मतलब कई लोगों को जॉब के लिए मदद करना, कई लोगों को जॉब के लिए उनके पास खबर पहुंचाना। माय डियर कैंडिडेट, हम चाहे कितने भी प्रोग्रेस कर रहे हों, बट कहीं ना कहीं दुआओं का खाता बढ़ता जाता है, और वो खाता जब बढ़ता है तो एक अच्छी कंपनी से ऑफ़र भी आता है, और अपने पास पास की परिस्थितियाँ भी बनती हैं जो बिगड़ रही होती हैं। हम क्या है? इन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं, आज हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट एक स्पिरिचुअलिटी भी माने रखती है। आप जब भी देखते होंगे, मैं आपके साथ में एक प्रोफाइल अपने जो नंबर पे, जिनके पास हमारा नंबर है, जब मैं उनके साथ प्रोफाइल फ़ोटो में एक मैसेज आपको देने की कोशिश करता हूँ, एक स्टेटस में एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ, उसमें मैं आपकी पर्सनालिटी पे, आपके बिहेवियर पे, आपके लाइफ ऑब्जेक्टिव के लेके बात करता हूँ, क्योंकि वो मैसेज आपके पास जाए। सिर्फ रिक्वायरमेंट है, इन कंपनीज में जा रहे हैं, बट आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका जो पार्ट है, स्टेट ऑफ माइंड भी आपकी अच्छी हो, आप अंदर से इम्पावर हो, आपके इंटरनल जो क्वालिटीज़ है, जो इंटरेस्टिक वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ है, उसका भी इफेक्ट लोगों पे पड़ रहा हो, आपकी बातचीत से आपकी वाइब्रेशन का असर लोगों पे जा रहा हो। हम अगर ठीक होंगे, हम सुधरेंगे, सब जगह सुधार दिखाई देगा, और अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, और ये लगातार प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ। हम लोग भी रोज़ सीख रहे हैं अपनी गलतियों से, चीज़ों से, मेथड से, रोज़ एक इम्प्रूवमेंट जारी है, हमेशा एक सुधार की प्रक्रिया रहती है, और सुधार की ओर से बढ़ते हैं। एक भी समझना है कि जब आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हों, उस कंपनी में कुछ ख़राब लोग बोल रहे हैं, तो उनके साथ निगेटिव, या जिसको बोलते हैं उनके साथ दुर्भावना नहीं रखनी है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कंपनीज़ में हो। हम अगर वो करेंगे तो हमारी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, आप सबको मैं इस बात के लिए आपसे कहूँगा कि इन चीज़ों को जरूर मान के चलिए कि पर्सनालिटी के अंदर भी आपके साथ बदलाव आता रहे, साथ साथ में प्रोफाइल को भी आप अच्छे ढंग से देखें। वीडियो के केवल फैन फॉलोअर की तरह मत जाएं, इसमें कंपनीज़ को देखना और आपको ज्वाइनिंग को लाना उद्देश्य है, और वो तभी आ पाएगा जब आपकी ब्लेसिंग्स भी बढ़ रही हों, वीडियो को भी ढंग से देख रहे हों, सारी प्रोफाइल्स को लोगों में शेयर कर रहे हों, और विश्वास के साथ जॉब एंड ड्राइव मैं आप ही रहूँ। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, mysourcejob.com।